ये सबसे अच्छा है, माइलेज भी अच्छा है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। देखिए गाइस बंद हो गया, अभी क्या करेंगे। ये देखिए एक्सीलेटर मोड़ रहा हूँ, कुछ आवाज़ दे रहा है बाइक का, कुछ नहीं। बच्चे लोग खुश हो जा रहे हैं, बच्चे लोग को पता है ना हेलमेट पे कैमरा लगा के ऐसे घूमने वाले को ब्लॉगर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा है आप लोग सही रहे, खुश रहे, मस्त रहे। और ये मेरा पुराना डायलॉग हो गया है। तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है, क्या एक स्कूटी लेना चाहता हूँ मैं। मेरे पास एक ही तो बाइक है, तो स्कूटी भी रखना ज़रूरी है। अगर बाइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो स्कूटी भी थोड़ा साथ देगा, स्कूटी ज़्यादा साथ देता है। और मेरा इस तरफ देखो, पीछे बोलना भला था, मेरा पीछे मतलब अलग थे, लेकिन ये देखो कैसा है। ये एक तालाब है, तालाब के साइड में हमारा घर है। और ये ड्रेस कैसा है, ये ड्रेस ये ब्लॉक में सेकेंड टाइम है। तो चलते हैं, पहले खाना खाते हैं और घर से निकलेंगे। अच रोड पे क्या मिलेगा पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, देखेंगे इधर उधर, निकलते हैं। मेरा बाइक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। पिछले दिन मैं रात को बाइक निकाला था तो स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक मेरा जान पहचान है मैकेनिक्स, उसको मैं बुलाया तो घर आके देखा, अपना एयर फिल्टर ख़राब हो गया था, ज़्यादा काला हो गया था और मैला जम गया था वहाँ उसमें वहाँ पे। तो उसको खोल के ऐसे ही लगा दिया कवर को और गया सर्विसिंग सेंटर, वहाँ पे नया लगा लिया था। और आज भी सुबह थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी दो तीन बार एक्सीलेटर को ऐसा मोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अभी शोरूम लेके जाना पड़ेगा। तो अभी देखे ऑयल मेरा खाली हो गया है, चलते हैं पहले ऑयल टैंक फुल करते हैं। अरे अरे बंद हो गया, अरे अरे बंद हो गया, अरे अरे यार बंद हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम हो गया लग रहा है। मुझे लग रहा है एक्सीलेटर में कुछ प्रॉब्लम है और ऑयल भी तो कम है। फिर भी और एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऑयल तो है, जितना ऑयल है फिर भी 30 किलोमीटर चला जाएगा। क्यों ना जब रिजर्व होता है तो ये मतलब जब खाली होता है ये ब्लिम करता रहता है। हे भगवान, आज मुश्किल हो गया रे, अभी चौक देना पड़ेगा। अगर चौक देख के भी अगर मोड़ेंगे तो बंद हो जाता है, अभी तो नहीं हो रहा है। आज स्कूल में कुछ प्रोग्राम है लग रहा है। ये बच्चे लोग देख रहे हो, हमारे संबलपुर का जो संबलपुरी जो डिजाइन का साड़ी पहन के जा रहे हैं। क्या हो गया, बच्चे लोग खुश हो जा रहे हैं, बच्चे लोग को पता है ना हेलमेट पे कैमरा लगा के ऐसे घूमने वाले को ब्लॉगर बोलते हैं। क्या करें, रफी को फोन करते हैं जो कल मैकेनिक्स वो आया था। ओके गाइस, आइडिया दीजिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो टाइम बाय टाइम सर्विसिंग करता हूँ, सब कुछ ओके है। कल रात को वो मैकेनिक्स जो रफी है उसका नाम वो आया था, स्पार्क प्लग देखा तो सही है, बस ये एयर फिल्टर प्रॉब्लम था। तो वो थोड़ा काला हो गया था तो उसको नया लगाया। देखिए गाइस बंद हो गया, अभी क्या करेंगे। ये देखिए एक्सीलेटर मोड़ रहा हूँ, कुछ आवाज़ दे रहा है बाइक का, कुछ नहीं। क्या हो गया मेरा, अरे यार फंस गया रे। आज क्या मेरा टाइम बर्बाद हो गया मेरा। अरे यार फिर रुकने लगा है, फंस जाएंगे।
चल 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 गया 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 गया। टैंकी फुल करो। अच्छा रे, आज सुबह भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बाइक। तो कार्बोरेटर एक बार साफ क्लीन करना पड़ेगा कार्बोरेटर। अबे कहाँ जाऊँगा, तुम्हारे पास जाऊँगा? वो पुराना जो कल जो रात को था। कौन सा स्कूटी है, क्या है? उधर तो थोड़ा देखते हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ स्कूटी देखने के लिए आया था, और मुझे तो फाइनेंस करना है कि नेट केस करना है, कुछ अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ। और काफ़ी सारा बाइक भी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये रोनिन देखा तो यहाँ पे। मैं तो इतना प्लान भी नहीं किया हूँ, मैं तो स्कूटी का प्लान किया हूँ। देख, अगर जो दिल लगेगा मैं ले सकता। इसमें कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है ना? राइडर ये टीवीएस रोनिन। मैं आप राइडर लग रहे हो। इसे तुम राइडर बोल दिया। 225 ये काफी दमदार भी है सर। ये जैसा हर गाड़ी की सब का जैसा एक होता है ना, ये भी गाड़ी हर कंपनी का, वैसे ये भी टीवीएस का सब है। ये भी इसको मैं चलाया, वो किसी ने टीवीएस का रूम दिया था टेस्टिंग के लिए। आप बोलिए तो टेस्ट जब भी दे देंगे। ऐसा ही दिया था एक बार, पार्क चलाया बिना गियर। ये सबसे अच्छा है, माइलेज भी अच्छा है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। ये वाला प्लेन मॉडल बोले ना, ये वाला? हाँ ये प्लेन मॉडल है, ये प्लेन मॉडल ना। इसमें आपको कलर भी मिल जाएगा गाइस। ये देखो 110cc का ये प्लेन मॉडल है, और इसका जो सेक्सी मॉडल बोलते हैं, इसका ब्लूटूथ कनेक्शन रहता है, तो ये इस टाइप का डिस्प्ले रहता है इसका। ये एनालॉग, और ये एनालॉग हो गया ना, एनालॉग और डिजिटल। वो जो दो जो व्हाइट कलर का है, ये सेम है ना? सेम है, बट वो उसका डिस्प्ले, ये इसका डिस्प्ले सेम है। दोनों सेम गाड़ी है, खाली डिफरेंस इतना है वो ड्रम है, ये डिस है। अच्छा अच्छा, वो ड्रम है, ये डिस है, लेकिन डिस्प्ले सेम है ना? सेम सब फंक्शन वंक्शन सब सेम है। सामने से ही आप मतलब बाकी जितना गाड़ी का है पीछे का सब पीछे रहता है, बट ये 125cc है, इसका सामने में है सब। अच्छा अच्छा, यहाँ पे फील बन गया। आप ये सबसे मेरे समय अच्छा है, क्यों बोले थे? ये बैठ के आप यहीं से डाले चले, क्यों होता कि यहाँ पे कम से कम उठना पड़ता है, कुछ को खोलना पड़ता है। तो गाइस अभी कौन सा लूँगा डिसाइड तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी प्लान कर रहा था सुजुकी का भी लूँ और होंडा का भी लूँ, सबको थोड़ा डिस्कस कर लूँ, और फिर भी जाते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो गाइस मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, और एक बाइक और एक शोरूम प्लान कर रहा हूँ होंडा का। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ 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 ठीक है। अगर होंडा का भी बजट में थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वो भी ले लेंगे, मतलब वो लेंगे, इसको नहीं लेंगे टीवीएस को। गाइस अभी मैं दूसरा शोरूम आया हूँ, मतलब टीवीएस का और एक शोरूम आया हूँ, वहाँ पे थोड़ा रेट मुझे थोड़ा हाई लगा, तो यहीं पे देखते हैं। शायद मेरे समय यहाँ पे थोड़ा सा लो भी हो सकता है, देखते हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आया, तो अपना जो काम करना था बाइक का, तो मैकेनिक को दिखाया, तो वो भी बोले कि थोड़ा सा पानी घुस गया था, तो इसीलिए स्टार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं तो यहाँ पे देखिए काफ़ी, ये कौन सा है? ये आई क्यूब है ना, तो इलेक्ट्रिक वाला है ना, 140 के आ जाएगा। 147। अच्छा, तो मेरा जो प्लान है ये वाला, क्या ये नहीं, ये जेड एस है, ये कितना सीसी का? ये 110cc का है। 110cc। और मैं जो बोल रहा हूँ वो वाला कौन सा बोल रहे हैं? मैं प्लेन मॉडल बोल रहा हूँ। प्लेन मॉडल 97 सीसी का। 110cc
अच्छा एलो ही लिखा है ना। तो गाइस अभी चलते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कौन सा लूँगा। अभी तक भी कन्फ्यूज हो रहा हूँ, देखेंगे। मुझे तो चाहिए पैसा जिसमें कम हो वो वाला लेना चाहिए। तो गाइस मैं एक्चुअल में आज आया था अपना बाइक का काम करने के लिए। तो बाइक ओके है, मैकेनिक तो बोल दिए, आप लोग तो पहले से बोला था, फिर भी और एक बार बोल रहा हूँ। और जो स्कूटी का फाइनल कर रहा था वो फाइनल कर दिया। कौन सा जानते हैं, ये दूसरा ब्लॉग में बोलेंगे। क्यों ना, आज है वेडनेसडे, हम प्लान किए थे जो वास्तु दोस्त के हिसाब में ट्यूसडे और थर्सडे, तो हम लेंगे कल थर्सडे को लेंगे। तो अभी सब साफ सुथरा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए।